जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अशोक बिष्ट है। आप लोग में से कई लोग मुझे जानते ही होंगे, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं तो मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी जा रहा हूँ मैं अपने जंगल में बैलों को जंगल छोड़ने। ये वो लगा हुआ यार कॉलगेट। तो भाई लोग अभी जा रहे हैं हम जंगल बैलों को छोड़ने। ये हमारे बैल, हाँ हम बल्द को ले जाएंगे। वहाँ का नाम है गड़था, गड़था जाएंगे हम। तो अभी पीछे कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, फिर आप लोगों को बढ़िया व्यूज़ दिखेगा। अभी मुंह भी नहीं धोया हुआ, बस ऐसी सुबह सुबह दिन की शुरुआत दिखा देता हूँ। मन में आया दिखाने का तो इसलिए दिखा देता हूँ आपको। हमारे बैल है और यहाँ से कुछ लोग बैल भेज के आ चुके हैं जंगल से वापस। अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट में जा रहा हूँ। देखो इधर ये निशान लगे हुए हैं, जो यहाँ से रोड आएगी अभी गोपेश्वर बाईपास के लिए। और यहाँ पे हमारे जो सैफ, जयदीप सैफ है, बहुत तगड़े सैफ है ये। अगर आपको भी शादी बारात पार्टी में अगर चाहिए होगा तो इनसे संपर्क करें। आप लोगों के जंगलों में पता नहीं क्या करता है, लेकिन हमारे यहाँ जंगल में बैलों को, गायों को, जो जिनको भी जंगल, जो जंगल जाने वाले होते हैं उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं और फिर शाम को खुद ही आ जाते हैं घर। कई बार नहीं आता है तो उन्हें लेने जाना पड़ता है। लेकिन कई जगह, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पूरे दिन भर इनके साथ ही रहना पड़ता है। जो अपने गाय, बैल या मवेशी जो भी हमारे, दिन भर उन्हीं के साथ रहते हैं कई गाँव में। लेकिन हमारे गाँव में ये नहीं है। हमारे गाँव में बस इनको छोड़ दो फिर अपना काम कर लो, शाम को खुद ही घर आ जाएंगे ये लोग। और हमारे इधर चीड़ का बहुत बड़ा जंगल है ये। आजकल यार लंपी वायरस ने भी सारे पशुओं को परेशान करके रखा हुआ, सारे मवेशी से जूझ रहे हैं। कल एक हमारा बछड़ा था वो मर गया, उससे एक डेढ़ महीने पहले हमारी एक गाय थी वो मर गई। वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। अभी आगे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाय बैलों की कतार, कुछ लोग पहले ही ले जा चुके हैं जंगल और कुछ अब जी। भाई यहाँ में चल जोल का गर्थ मन लिखान समय। हाँ ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वादियाँ पहाड़ के हर गांव में होती है। ऐसा स्पेशल है नहीं कि हमारे ही गांव में है, लेकिन हमारे गांव में जो सामने रोड दिख रही है वो NH 58 राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश टू बद्रीनाथ वाला जो रोड दिख रही है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मटघणी दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, जो मेन चीज़ है। मटघणी मतलब जहाँ से मिट्टी ले जाते हैं घरों की लिपाई पुताई के लिए, जो लाल मिट्टी होती है जो सबसे ज़्यादा काम आती है। घर को घसने के लिए, घसने नहीं, गौर कणी घोषणा वास्ता जो काम होनी शवो माट। ये आओ मिट्टी यहाँ से ले जाते हैं हमारे गांव वाले। अब तो खैर कोई नहीं ले जाता है क्योंकि अब लगभग 99% घर जो हैं कि वो सीमेंट के बन गए हैं। इधर देख लीजिए अलग अलग जगह पे जो गड्ढे करे हुए हैं, ये लाल मिट्टी है, यही काम आती है लिपाई पुताई के लिए। गौर कणी घोषणा यही काम होनी यार। ये ना दो तीन जगह जो हमारे गाँव में, जिससे कि, और यहाँ पे शायद बंदर या गोणी कुछ आ चुके हैं। ले ओहो आहा कर रहा है भाई, ये देखिए। मशरूम भी दिख जाएंगे जंगल में जगह जगह पे, जहाँ ये चीड़ के पेड़ होते हैं यहाँ जगह जगह मशरूम हुए होते हैं। लेकिन यार हमें इनको पहचानना नहीं आता है क्योंकि इनमें से बहुत सारे जहरीले और कुछ ही होते हैं खाने लायक, वो हमें पहचानने नहीं आते, इसलिए हम लोग ले जाते हैं नहीं है इनको। हमारे गांव के कोई कोई लोग हैं जो इन्हें ले जाते हैं, जिनको शायद पता है वही ले जाता है, वही खाते हैं इन मशरूमों को। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या मेरा गांव, हमारे गोर बल्द कुछ भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि गोपेश्वर का भी भाई यूट्यूबर होगा कोई।